हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की इस वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा सेमेस्टर वन इकोनॉमिक्स ऑनर्स का। सब्जेक्ट हमारा रहेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। और आपको ऐसे ऑर्डर वाइज वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाइए डायरेक्ट। मैंने सबकी ऐसे ऑर्डर वाइज डाल रखी है ताकि आपका समय ज़्यादा वेस्ट ना हो ऐसे वीडियोस क्लास वगैरह ढूंढने के लिए। तो वो वहाँ पे आपको ऑर्डर वाइज सारी मिल जाएगी प्लेलिस्ट सेक्शन में, जो उनसे भी आपको देखने हैं, सेम फोर मैक्रो इकोनॉमिक्स, आरबीआई, ग्रेड बी, ईएसआई, एफएम पार्ट, तो जो उन सभी है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। वहाँ पे आपको सारी सबकी प्लेलिस्ट आपको वहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। तो ये क्लास वन है तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो अपना मॉडर्न इकोनॉमिक्स से स्टार्ट कर देते हैं हम। तो सबसे पहली बात तो इकोनॉमिक्स होती है, तो इकोनॉमिक्स होती है ऑप्टिमाइजेशन सब्जेक्ट टू सम कंस्ट्रेंट। तो हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं और उसको मद्देनजर रखते हुए हमें उसका ऑप्टिमल यूज करना होता है, जो भी रिसोर्सेज होते हैं। जैसे मान लो जैसे 1000 गज का ये जमीन है तो इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है। इसमें खेती कर लो, हॉस्पिटल खोल दो, स्कूल खोल दो, तो बहुत सारी चीजें। तो इकोनॉमिक्स इसलिए पड़ी रहती है ताकि हम इसमें बेस्ट चीज इसमें डाल सके, ताकि जो जो ये जमीन है इसका बेहतर यूज हो पाए और ज्यादा से ज्यादा लोग खुश हो पाए। तो ये बहुत ही बेसिक टर्म में मैंने आपको बता दिया। तो अब धीरे धीरे इसकी इंट्रिकेसी इसके बारे में पता करेंगे। डेफिनेशन की अगर प्रॉपर डेफिनेशन बताऊं तो इट स्टडीज दैट हाउ इंडिविजुअल फर्म्स, गवर्नमेंट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस मेक चॉइस एंड हाउ दीज चॉइसेस डिटरमाइंस द सोसाइटी यूज ऑफ सोसाइटीज यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो ये डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की प्रॉपर। तो हमें ये समझने के लिए कि चॉइसेस किस प्रकार से मेड होती है और ये जो हम चॉइसेस करते हैं ये किस प्रकार से सोसाइटी के रिसोर्सेज को अफेक्ट करती है, मतलब उनके यूजेस को, तो हमें ये जानने के लिए हमें 5 कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये डिसाइड करने में। तो सबसे पहला आपका आ गया ट्रेड ऑफ। तो चॉइसेस में जो सबसे मेन चीज होती है वो ट्रेड ऑफ होती है। ट्रेड ऑफ का मतलब ये है कि आप एक चीज पे अगर ज्यादा लगा रहे हो तो दूसरी चीज पे आपको कम करना पड़ेगा, क्योंकि लिमिटेड आपके पास रिसोर्सेज है। दैट मींस अगर आप किसी पे ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं तो उसका मतलब है वो जो दूसरी चीज है उस पर आपको कम स्पेंड करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी बेसिक सा है। जैसे नॉर्मल लाइफ में भी अगर आपके एग्जाम चल रहे हो तो आप पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और खेलने कूदने पर टाइम कम कर देते हैं, तो ऐसे ही चलता है। इसे ही ट्रेड ऑफ कहते हैं कि अगर एक को ज़्यादा करना है तो दूसरे को आपको कम करना पड़ेगा ड्यू टू स्कैर्सिटी या लिमिटेड रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल। अब दूसरी चीज़ जो चॉइस को अफेक्ट करती है वो होती है इंसेंटिव, कि आपको कहाँ पे मतलब ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो इंसेंटिव्स पर रिस्पॉन्ड करते हैं, बेसिकली क्या ज़्यादा अट्रैक्ट करता है उन्हें। तो एग्जांपल देके बताऊं तो जैसे अगर आपकी जॉब मिल रही है तो अगर आप सोच रहे हो कि करियर में आगे कहाँ जाना है तो आप सैलरी देखोगे कि भाई वहाँ पे इंजीनियर की कितनी है या एमबीए वालों की कितनी है। तो मान लो कि जो इंजीनियर वालों की वो 1 करोड़ है, एमबीए वालों की 30 लाख पर एनम है, तो आप इंजीनियरिंग करना चूज करोगे। तो ये एक एक ही पैरामीटर को लेके मैंने बताया। तो इस प्रकार से जो इंसेंटिव है वो काम करता है। तीसरा आपका आ जाता है एक्सचेंज का। तो जब हम एक्सचेंज करते हैं चीज़ों को एक दूसरे से तो हमारी जो चॉइसेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज को ये प्रमोट करती है। और ये एक इम्पॉर्टेंट इंसाइट है इकोनॉमिक्स में, ये रिकग्नाइज करना कि जो दोनों पार्टीज इन्वॉल्व है एक्सचेंज में उनका वॉलेंट्री गेन हो। चौथी जो चीज़ आ जाती है आपकी आ जाती है इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको एक रैशनल चॉइस बनानी है या इंटेलिजेंट चॉइस बनानी है तो उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो दैट प्रॉपर यूटिलाइजेशन उस रिसोर्स का हो जाए। तो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है इंटेलिजेंट चॉइसेस बनाने के लिए, ठीक है। और पांचवी और आखिरी आ जाता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ये लास्ट स्टेप होता है। तो फाइनली जो अपने चॉइसेस बनाई होती है कि कितनी एजुकेशन चाहिए, किस ऑक्यूपेशन में एंटर करना होता है, क्या गुड्स एंड सर्विसेज बाय करनी है, तो ये डिटरमाइन करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम हमारी सोसाइटी में, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें जो आपके चॉइसेस को अफेक्ट करती है। तो ट्रेड ऑफ का आप याद रखना स्कार्सिटी से, तो स्कार्सिटी आपको समझ में आएगी कि किसी चीज़ की कमी होना, जिसके कारण प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है, क्योंकि स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हो गया पहला है। और जो रिसोर्सेज है उसके ऑल्टरनेटिव यूजेज है, जैसे मैंने बता दिया आप एक लैंड पे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो ऑल्टरनेट यूज हो गए। और जो ह्यूमन वॉन्ट्स है, जो हमारी इच्छा है इंसानों की, वो अनलिमिटेड है। तो इस चक्कर में हमें इकोनॉमिक सब्जेक्ट जो है वो पढ़ना पड़ जाता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें याद रखना, अनलिमिटेड वॉन्ट्स,
स्कैसिटी ऑल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज, जिसके कारण आपकी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है। दूसरा आपका इंसेंटिव आ गया। तो इकोनॉमिक्स जो है वो एनालाइज करती है चॉइसेस को फोकसिंग ऑन द इंसेंटिव्स, और इंसेंटिव्स में ना ये नहीं कि आपको जो मिल रहा है वही, जो सैलरी मिल रही है वही काउंट करोगे, इसमें रिड्यूस कॉस्ट भी आ जाती है। जो जैसे प्रोडक्शन में कॉस्ट रिड्यूस हो रही है किसी एफिशिएंट मेथड को यूज़ करने से, तो जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट प्रॉफिट ही काउंट हो, अगर आपकी कॉस्ट भी रिड्यूस हो रही है तो वो भी इसमें काउंट हो जाती है, जो कि एक पर्टिकुलर चॉइस मेड आउट करने में आपकी मदद करती है। तो काफ़ी चीज़ें क्या कहते हैं इंसेंटिव्स को अफेक्ट करती है, बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो आपका प्राइस हो जाता है। और इसके अलावा ये हो सकता है कि मतलब पीपल, जो भी मतलब लोग हैं वो कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रिटर्न कितना एक्सपेक्ट करते हैं, कितना अर्न कर सकते हैं वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ से। तो बेसिकली ये प्रॉज एंड कॉन्स लिस्ट होती है ना, तो वो ही मान लो कि क्या कहते हैं जब भी आपको कोई चॉइसेस लेनी होती है तो आपके उसके प्रोज और कॉन्स लिख देते हो कि हाँ सैलरी ज़्यादा है पर टाइम वो है। तो वो ये ऐसे ही इंसेंटिव्स और इंसेंटिव्स को जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो सबसे पहली चीज़ होती है जो ये प्रोज एंड कॉन्स करते चॉइसेस को, चॉइसेस मेक करने से पहले, ठीक है, या फर्म हो गया या इंडिविजुअल हो गया, ये पूरा होलिस्टिक व्यू दे रहा हूँ ऐसे माइक्रो और मैक्रो को साइड में ना रखते हुए, ठीक है। एक्सचेंज का मैंने बताई दिया एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उसको रिकॉग्नाइज करना कि जो दोनों पार्टी एक्सचेंज में इन्वॉल्व है उनका वॉलेंट्री गेन हो। और ये क्या कहते हैं जो मार्केट एक्सचेंज होता है मार्केट इकोनॉमिक्स में वो एक एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज को लीड करता है। और लास्ट ये आपका वो सॉरी फोर्थ वन आपका इन्फॉर्मेशन है, ये बेसिकली मैं इनमें डिटेल में बता रहा हूँ, पहले शॉर्ट में बता दिया था। तो जो चॉइसेस मेक करते हैं उसमें इन्फॉर्मेशन की बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपके पास लिमिटेड या इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है तो वो इंटरफेयर कर सकती है आपके मतलब जितने भी डिसीजन मेकिंग है उसमें, और एफिशिएंट यूज़ ऑफ सोसाइटीज़ का जो स्केर्स रिसोर्सेज है उनका पॉसिबल नहीं है। फिर अब मान लो आप किसी कंपनी में जा रहे हो और आपको पता ही नहीं है, उन्होंने ये कह दिया कि हाँ सैलरी मिलेगी, बट आपको नहीं पता क्या सैलरी है, कितने टाइम काम कराएंगे, कुछ मतलब ऐसे पता नहीं है, तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, तो उसी हिसाब से आप चॉइस अच्छे से मेक नहीं कर पाओगे कि हाँ वो आपके लिए सही रहेगा या नहीं। और इन्फॉर्मेशन का तो आजकल काफ़ी बड़ा रोल है, काफ़ी फर्म्स और इंडिविजुअल भी क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन परचेज करते हैं, फर्म सेल करती है, और स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन भी बने हुए हैं जो कि स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर्स को। फॉर एग्जाम्पल जो आपकी कंज्यूमर रिपोर्ट होती है, जितने भी ये सब इंडेक्सेस वगैरह आते हैं, तो ये सब आपके इन्फॉर्मेशन में आ जाएंगे। और लास्ट आपका डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो मार्केट इकोनॉमी होती है जो उसका थर्ड पिलर होता है, तो मार्केट इकोनॉमी जो है उसका वो वहीं तक सीमित नहीं होती कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस, तो तीसरा जो पार्ट आता है कि फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो ये भी इसमें इंक्लूडेड होता है डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट। तो मार्केट को ये भी डिटरमाइन करना होता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है वो किस प्रकार से मेंबर्स ऑफ सोसाइटी को अलोकेट की जाए, ठीक है। तो ये पांच पिलर है, ये मैंने अच्छे से आपको डिटेल में बता दिए। तो अब आइए टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पे चलते हैं, किस प्रकार की इकोनॉमीज होती है और क्या क्या उनके फीचर्स होते हैं। तो ये अभी बेसिक ही चल रहा है, शुरू में थोड़ा बेसिक चलेगा, फिर आपका क्या कहते हैं अच्छा वाला पार्ट स्टार्ट होगा। तो जल्दी जल्दी से मैं ये भी बता देता हूँ, तो इसे एक होती है कैपिटल या मार्केट इकोनॉमी आप इसे कह सकते हैं। तो इसमें जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय होते हैं आपके प्राइवेट सेक्टर से, दैट मींस कि इसमें कोई भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन आपको नहीं दिखेगी। ऑब्जेक्टिव अगर मैं इसका बताऊँ तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और जो सोशल वेलफेयर होता है वो पूरी तरीके से यहाँ से इग्नोर करा जाता है, ठीक है। और जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो प्राइस मैकेनिज्म की के माध्यम से सॉल्व होती है, मतलब बेसिकली जो डिमांड एंड सप्लाई है उसके माध्यम से ये सॉल्व होती है। दूसरी आ जाती है आपकी सोशलिस्टिक, या इसे आप प्लान इकोनॉमी भी कह सकते हैं। इसमें जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट होते हैं, प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल नहीं होता, ऑब्जेक्टिव वही है, उससे उल्टा मान लो वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन होता है इनका ऑब्जेक्टिव, ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो इसका कैपिटलिस्टिक का होता है। और जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो सेंट्रल प्लानिंग के थ्रू सॉल्व करी जाती है, जैसे इनके कमीशन बैठते नीति आयोग वगैरह, तो उस प्रकार से प्लान करके इसे सॉल्व करा जाता है जो सरकार होती है। और तीसरी आपकी आ जाती है मिक्स्ड इकोनॉमी, इसमें आपके दोनों प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को एक्सिस्ट करके चलते हैं साथ में, मतलब साथ में वर्क करते हैं, ठीक है, और दोनों सेक्टर का रोल प्ले करने मतलब रोल होता है प्ले करने का,
जो प्राइवेट होता है वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान देता है, और जो गवर्नमेंट होता है वो वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान देती है। तो ये दोनों साथ में आपका वर्क करते हैं। तो आज की क्लास में इतना। स्टार्टिंग की क्लास बेसिक में जाएगी जैसा कि मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे से शुरू करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।